18-9-6354ZCU P30। आज तोबा से इंशाल्लाह अगला कनेक्टिंग सफर है हमारा। लेट अस सी, सफर में अब सामान रखते हैं फिर आगे सफर का आगाज करते हैं। गाइस हियर कम्स हारिस, जिनके साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। वापसी का फिर का इरादा है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये लाजमी फॉर श्योर है। अब हमारी कोशिश होगी वापसी पे हम लोग इंशाल्लाह जहानिया जाएं और बाकियों को भी लेके जाएं, जो हमारे बॉस हैं, जो हमारे टीचर हैं, उनके पास इंशाल्लाह। सिग्नल डाउन, देखते हैं आज ZCU P क्या रंग दिखाएगा हमें, क्योंकि सर पे है बिल्कुल कराकरम। एंड वी होप के शोर कोट पे इंशाल्लाह क्रॉस हो। अब नेक्स्ट व्लॉग जो है वो स्टार्ट है, एक ही दिन में मैंने दो सफ़र किए हैं, दूसरा अब स्टार्ट होना है इंशाल्लाह। वी होप फॉर द बेस्ट। फोर्टी टू जो है वो गोजरा पहुंचने वाली है और ये यहाँ से रवाना हो रही है। उम्मीद है कि अब्दुल हकीम तक शायद जो है वो ओवरटेक कर दे, तो यासर भाई फास्ट ओवरटेक देखने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह। वी होप फॉर द बेस्ट। और यासर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए, आपकी मोहब्बत है, आपने हमें बहुत अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड किया। इंशाल्लाह मेरा रब खैर रखे, वापसी जो है ना वो लाजमी अब मुलाकात होगी। वापसी में मेरा पक्का इरादा है कि जहानिया वाला कुछ चक्कर करते हैं, अदरवाइज पहुँच कर फिर वहाँ जाकर स्पेशल करते हैं। तो कैप्चर करते हैं गाइस, लेट अस सी गाइस। अब समझ आती है कि वो ड्राइवर है। होगा आरिस, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मुलाकात होगी बच्चा, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं टोबा से इंशाल्लाह। आज सुबह 46 पे जो है वो आए हैं, अल्लाह हाफिज़। आज सुबह 46 पाकिस्तान से आए हैं टोबा, टोबा से कनेक्टिंग में फिर हमने लिए है 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस, जिससे वाया जहानिया हम जो है वो कराची जाएंगे और जहानिया में इंशाल्लाह सर खालिद महमूद, उनका चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा और आप लोग सुन भी लें, ट्रेंड्स एंड नेचर। और इनामुल हक भाई को इंशाल्लाह, हकीम इनामुल हक साहब बड़े भाई, उनको भी इंशाल्लाह मिलेंगे। उनका मुझे इस वक्त ऑनेस्टली याद नहीं, सो आई विल पोस्ट इट इन डिस्क्रिप्शन एंड वी होप फॉर द बेस्ट। लेट अस सी कि कराकरम हमारे साथ अब क्या ड्रामा करती है। ड्राइवर साहब ने तो पट दिया जी, ड्राइवर साहब जो हैं ओ माशाल्लाह। गाइस ड्राइवर साहब का नाम ही खिंची है तो ये खींच के रखा हुआ है इन्होंने। गाइस आज CNR क्लास है ओल्ड 140, CFI में 2019 में ये रिफर्बिश हुई। हालात उसके दिन में बहुत बुरे हैं, पूरी बैंक से ये मेंटेन नजर नहीं आ रही। ओके अब आपको ये भी दिखा दूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह टेंट है। ओके दिस साइड ड्राइवर साहब आज बहुत अथरे हैं, उनके मुतल्लिक जो सुना है बिल्कुल वैसा ही पाया, वो प्लेटफॉर्म पर ही खींच चुके थे गाड़ी को, जो आपने देखा भी है। CFI बिजनेस 2009 में बनी, 12534 इसका सीरियल है। दोनों क्लास में CFI और CNR में आप डिफरेंस देख लें कि CFI जो है वो शोर और वावेला है, एंड अबव ऑल जो है उसका आप देख लें
सुकून का यहाँ बंदा जो है ना बैठ नहीं सकता, लेटेगा क्या। ये भी डाइन इन कार है माशाल्लाह। अच्छा डाइन इन कार भी जो है वो CFI है। ये बेहतरीन किचन, बेहतरीन चाय। डाइनिंग कार के किसी भी डाइनिंग कार के मुतालिक मैं आपको कह सकता हूँ बेस्ट है। आपके सामने मैंने एक छोटा सा जो है ना वो आपको सैंपल दिखाया आपको आज। ये इसका काउंटर आपको जिस तरह दिखाया था 46 डाउन की डाइनिंग कार को उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो नॉन एसी थी, ये एसी है। और इसका किचन भी आपने देखा कदरे छोटा है मगर उससे जो है ना वो बेहतर है जो हमने देखी नॉन एसी। उसमें तो बंदे का बच्चा खड़ा नहीं हो सकता यहाँ कम से कम। फिर भी आपने देखा है काउंटर बड़ा है, उसका काउंटर भी छोटा था। यहाँ पर बैठने की जब जगह ज़्यादा है एज़ कम्पेयर विद कि जो CFI पुरानी जो नॉन एसी डाइन कार है। आज का हमारा सफ़र जो है वो कनेक्टिंग में था और फर्स्ट हमने जिस तरह मैंने पहले बताया आपको स्टेशन पर हारिस के साथ 46 पाकिस्तान एक्सप्रेस से आया हूँ टोबा टेक सिंह तक। और अब टोबा टेक सिंह से जो इंशाल्लाह 18 डाउन पे वाया खानेवाल जहानिया कराची की इंशाल्लाह रवानगी स्टार्ट हो चुकी है। आपके सामने ड्राइवर साहब का जो निक नेम बच्चों ने रखा हुआ है यानी यंगस्टर्स ने वो रखा हुआ है खिंची, यानी जो खींच के रखता है काम को इन पंजाबी, मतलब खींच के रखना यानी बहुत तेज़ चलाते हैं। उसका एक छोटा सा मुजाहरा आपने बिल्कुल देख भी लिया कि गाड़ी अभी मेन लाइन पर चढ़ी नहीं है और उन्होंने जो है वो माशाल्लाह खींच के रख दिया काम को। उम्मीद करते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रैक किया है 42 डाउन को एंड वी होप के 42 डाउन का जो क्रॉस होगा हमें वो बिफोर खानेवाल होगा। लेट अस सी, अभी दोबारा चेक करते हैं। गोजरा से तो निकल आई थी, अभी ट्रैकर पे मैं देख रहा हूँ जी। गोजरा जहाँ कॉशन है वहाँ से वो निकल चुकी है अगेन, फिर वही बीच में एड्स आजकल आ जाते हैं। देखिए 6:07:58 यानी 6:08 पर ऑलमोस्ट गाड़ी ट्रैक हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम जो है वो इसको शोरकोट से आगे आगे ही मतलब वे ऑफ देंगे और मैं चाहता हूँ कि खानेवाल से पहले ही वे ऑफ हो सो दैट एक अच्छा जिसे कहते हैं कैप्शन मिल सके। वहाँ पर शोरकोट ऑनवर्ड जो है वो गाड़ी की स्पीड 105-110 मिनिमम होती है और वहाँ पर होगी भी ये तो हमें भी पता है। हमारी जो है वो डेफिनेटली होगी ज़्यादा, उसकी तो मुझे यकीन दहानी है। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ड्राइवर साहब जो है ना वो खिंची साहब बैठे हुए हैं, तो अब ये देखते हैं कि 31 मिनट्स का डिफरेंस है कराक्रम का एंड नाउ वी विल सी कि हमारा कितना है। आई बिलीव हम भी 30-40 मिनट्स तक हैं, तो मुझे शक पड़ता है कि 50 मिनट्स एंड अबव ना हो, तो वो देखते हैं। अभी हमारा 44 मिनट्स का डिफरेंस है, तो मुझे ऐसा एक फीलिंग सी है कि खिंची साहब निकल नहीं देंगे खानेवाल से पहले, एक ऐसी फीलिंग है। ओके वो 90 की पावर के साथ है, हम 63 की पावर के साथ हैं, मगर ड्राइवर पे डेफिनेटली बड़ा डिपेंड करता है एंड आई होप कि मेरा जो वहम है वो वहम ही रहे, सच्चाई में ना बदले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वे ऑफ हो जाए। वे ऑफ होने से फ़ायदा ये एक तो अच्छा कैप्शन मिल जाना है, सेकेंडली हम आराम से जो है वो आगे फर्दर अपना ट्रैवल जारी रख सकते हैं। शाम का वक्त है, आप देखिए, कोशिश करूँगा कि कुछ और मज़ीद कैप्शन कर सकूँ। इंशाल्लाह भी आगे स्टेशन आने वाले हैं, जैसे अब हम बिल्कुल शोरकोट पहुँचने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेट 6:10 हो रहे हैं, 6:23 पे एक्सपेक्टेड अराइवल है, तकरीबन 13 मिनट का फ़र्क है और यकीनन हम मज़ीद कवर करेंगे क्योंकि जब गाड़ी फैसलाबाद से निकली तो उस वक्त 50-55 मिनट का डिफरेंस था और प्रेजेंटली अभी जस्ट 42 मिनट्स का डिफरेंस है। तो इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया, लेट अस सी। गाइस शोरकोट कैंट पहुँच गए जी। सामने जो लाइन आपको नज़र आ रही है वो हज़ारा एक्सप्रेस की है। ड्राइवर साहब अपने नाम का पास रखते हुए जो रेल लवर्स ने या रेल फैमिली ने रेल फैंस ने इनको दिया है, खिंची साहब खिंच के रखने वाले, अदान हो रही है तो खामोशी इख्तियार कर।
फॉर्म तो बिल्कुल ही आउटर में चला गया जी। एक दो तीन, तीन कोचेज जो है वो बाहर है टोटल। ओके जी, गार्ड साहब ने तो दे दिया लाइट और खिची साहब ने जो है ना थ्रॉटल देना शुरू कर दिया। पावर हाउस ये शेड की लाइन है गाइस, जो बिल्कुल स्ट्रेट जाके आगे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा सारा। पावर गड़बड़ लग रही है गाइस, पावर गड़बड़ लग रही है, अल्लाह रहम करे। बिस्मिल्लाह, आई गारंटी यू गाइस, जिस तरह खिची साहब ने मंड के रखा है ना, पावर जो है वो जवाब दे रही है हमको। खुदा जाने क्यों गाइस, मुझे लगता है कि पावर खिची साहब को धोखा दे गई है। जिस तरह उन्होंने थ्रॉटल अप किया है, नहीं गाइस पावर जवाब दे गई है जी। अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस, खिची साहब ने जुल्म किया है पावर के साथ, गलत कर गए ये। स्लोमो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका थ्रॉटल आप बिल्कुल वन बाय वन लेकर जा रहे हैं, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि उन्होंने सोबा टैक्सिंग से शोरपुर कैंट तक जितनी ज्यादती कर दी है इस पावर के साथ, वो अब जवाब दे गई है मेरे हिसाब में। मेरे हिसाब में इसलिए कह रहा हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि जैसे ही वो थ्रॉटल अप कर रहे हैं, पावर जान छोड़ रही है नहीं अपनी, वो आगे उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थ्रॉटल को।
पावर शायद मान गई है। नहीं 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 किसी साहब नहीं समझ रहे। कोशिश कर रहे हैं, कच्चा धुआं मार रही है पावर, मगर ये नहीं समझ आ रही अब किसी साहब को कि इनको ये नहीं करना चाहिए। अंबार पे अंबार लगाते जा रहे हैं खिची साहब जो हुए। काम खराब कर गए हैं खिची साहब। बात चल तो रहे हैं जी, मगर पावर का हाल कोई नहीं छोड़ा किसी ने। down से कहते हैं 104 की स्पीड। गाइस फाइनली एट लाहौर, सॉरी गानेवाल, ड्राइवर साहब की वजह से बड़ा दिमाग खराब है। आई एम गोइंग टू द अदर साइड सो दैट इसको कैप्चर कर सके और 42 को भी देखें। यासीन मेडिकल 42 डाउन मेन लाइन, 33 ओए होए 34 डाउन भी खड़ी है गाइस, 34 डाउन भी खड़ी है। What a bad luck। GEU-40 the beast के साथ ready for departure, क्या बल्कि departure start हो चुका है। 9005 ने 42 down ने आज बड़ा जबरदस्त हमें cross किया है। We hope for the best. We'll look forward कि हम कुछ बेहतर जाएं। Lap.
क्या है, उसकी कंडीशन काफ़ी माशाल्लाह अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, साफ़ सुथरे डब्बे नए हैं और पब्लिक अच्छी खासी थी एज़ कम्पेयर विद जो आजकल शालीमार के साथ हो रहा है उसी को हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। शालीमार भी इंशाल्लाह बेहतर हो, ऊपर तो बस आज अभी जो अब में आ रही है वो भी लेट है। ZCU 6352 34 डाउन के साथ और ZCUP 6354 18 डाउन के साथ, 18 डाउन के साथ मौसूफ जो है वो भपके मार रहे हैं, गला ख़राब है, पावर रिलीफ भी कोई नहीं है अभी तक एंड प्रेजेंटली हमारे पास एक ऑप्शन है कि ZCUP 30 जो 33 आपके साथ 6352 चल रहा है उसको कैप्चर किया जाए। टेक्निकली ये भी ZCUP ही है क्योंकि 50 के बाद जो है वो ZCUP कहलाते हैं जो पाकिस्तान में असम्बल हुए। ओके जी, राइट फॉर डिपार्चर। एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि येलो लाइट्स क्यों लगा दी हैं जाहिलों ने, सारी लुक का बेड़ा गर्क कर दिया। येलो लाइट से अंदर पर्दा नहीं रहता, वाइट लाइट कदरे बेहतर रहती है कि उसको अगर आप पर्दा नीचे कर दें, शेडो नीचे कर दें तो शटर से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आप ये देखें अभी वाइट लाइट है, अंदर इतने आराम से नज़र नहीं आती चीज़ें। ओके जी, ग्रीन लाइन का 11273 ओके लाहौर शेड का, खैर लाहौर ही के काम है ऐसे पुठे। रोशनी की तरफ जा रहे हैं जो है उससे ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, सो वी आर हियर। जी काफ़ी जगह पड़ी है इकॉनमी में, बिल्कुल यहाँ भी पड़ी है 20%, यहाँ भी वेकेंट है एक कमरा, 2 3 4 5 6 7 ये भी बिल्कुल वेकेंट है। एक कदरे बेहतर है, ताकि हम अमान में रहें। सो गाइस, हियर कम्स रिलीफ पावर 9029। ये इस वक्त मुल्तान से आ रही है एंड थैंक गॉड कि आ रही है और हम लोग फिर भी बच गए। बिजू जो है वो दफा हो गया अगेन सॉरी। और सामने से 4558 है आई बिलीव, वो भी गुजर रहा है।
गए चले गए। Here we go. Finally we are moving, Alhamdulillah. और जान छुड़ाई अस्त from Biju अस्त and going to the destination. वाया जहानिया अदा साई, just wait, I'm coming. Finally we have moved. गाइज इंशाल्लाह आज मुलाकात होगी अपने उस्ताद मोहतरम से। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे बाद, एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग फर्स्ट टाइम एवर एज फिज़िकल अपीयरेंस, और मैं अपनी खुशी का जो है ना वो बयान नहीं कर सकता। परवरदिगार ने क्या मौका मुझे दिया है, अचानक मुझे कराची जाना पड़ा और मुझे गाड़ी भी जो है वो कनेक्टिंग में मिली। मैं रब का बड़ा मशकूर हूँ, शुक्र गुज़ार हूँ। अल्लाह करे जिस तरह ये खुशी मुझे मिल रही है, जो कराची जाके काम करना है वो भी हो जाए इंशाल्लाह। एंड आई विल कम बैक टू माय चिल्ड्रन, टू माय फैमिली। फाइनली गाइस जहानिया पहुंच रहे हैं जी। आज फर्स्ट फिजिकल मुलाकात होगी इंशाल्लाह अपने उस्ताद मोहतरम से, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड इंशाल्लाह।